हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है राइबो स्विचेज। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइबो स्विचेज, डेफिनेशन ऑफ राइबो स्विचेज, एंड देन द लोकेशन ऑफ राइबो स्विचेज, देन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड देन द फंक्शन ऑफ राइबो स्विचेज। सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप जो है उसको अच्छे से समझ सके, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। राइबो स्विचेज का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। पहली बात, ये रेगुलेटरी एलिमेंट है। सेकंड की, ये सिस रेगुलेटरी है, मतलब कि मानो कि यहाँ पे एक जीन है, तो जो ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है ये विद इन द जीन पाया जाएगा, है ना। मानो कि यहाँ पे ये क्या है, एमआरएनए की जीन है ना। ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। तो ये राइबो स्विचेज यहाँ से पाया जाता है, मतलब कि विद इन द जीन पाया जाता है। That's why it is called the cis regulatory elements। जैसे आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर्स है, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह है, वो सारी बाहर से आती है, तो उनको बोलते हैं ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। और आपका राइबोसोम हो गया, एनहांसर, एक्टिवेटर्स एंड ऑल आर द रेगुलेटरी एलिमेंट्स। सो दैट बाइंड्स विद मेटाबोलाइट्स लाइक एमिनो एसिड्स, कोएंजाइम, आयंस एंड न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स। ये मेटाबोलाइट के साथ बाइंड होते हैं और जीन रेगुलेट को, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो वही चीज हमें डिटेल में स्टडी करनी है कि हाउ दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो देखो, लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? यहाँ पे 5' है, ये 3' है। 5' पे जो इतना एंड है और 3' पे जो इतना एंड है, इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इसकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है? 5 और 3' पे, अनट्रांसलेटेड रीजन में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में एमआरएनए के जीन के अंदर मल्टीपल इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स मतलब कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिनको स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं। तो यूकैरियोट्स के केस में ये विद इन द इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्गी में प्रेजेंट होते हैं एज ए रेगुलेटरी एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं जो राइबोसोम के साथ बाइंड होते हैं और जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपका कोएंजाइम है, 13 डिफरेंट टाइप्स के मेटाबोलाइट, और न्यूक्लियोटाइड 7 टाइप्स के, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल 5 टाइप, आयंस 5 टाइप, एमिनो एसिड 3 टाइप्स। इस तरह से ये जो मेटाबोलाइट है ये राइबोसोम के साथ बाइंड होते हैं और जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर ये दो कंपोनेंट से बना होता है, एप्टामर और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। जो ये एप्टामर है, इसके साथ जो है ये सारे जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं ये बाइंड होते हैं, मतलब कि कैसा है, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है और मेटाबोलाइट बाइंडिंग साइट है। सेकंड होगा आपका एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म, ये क्या करता है, जीन के रेगुलेशन को या जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, मतलब कि ये जो मेटाबोलाइट है ये एप्टामर के साथ बाइंड हो गए और यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज होगा और ये क्या करेगा, ये जीन को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे डीएनए दिखाया हुआ है और ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाता है, मतलब ये डीएनए इस तरह से एक्सपोज हो जाता है और यहाँ से एमआरएनए की चेन बननी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसके साथ जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है और ट्रांसक्रिप्शन को एलोंगेट करती है। तो देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट, यहाँ पे अगर तो लिगेंड्स प्रेजेंट होगा, मतलब जो मेटाबोलाइट्स है वो प्रेजेंट हो गए, तो वो एप्टामर के साथ बाइंड हो जाएगा और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चरल चेंज कर देगा, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी। देखो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी और आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। सेकंड है, अगर नो लिगेंड, मतलब कि मेटाबोलाइट्स नहीं होगे, तो क्या होगा कि एप्टामर पे कोई भी लिगेंड बाइंड नहीं हो रहा है, तो जो एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड कर पा रही है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गई और इसके साथ फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गई, इसके साथ राइबोसोमल के सब यूनिट बाइंड हो जाते हैं इस तरह से, और वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है, मतलब कि ट्रांसलेशन करता है। ये हुआ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। तो सेकंड देखो यहाँ पे एमआरएनए निकल रहा है, प्रोकैरियोट्स के केस में को ट्रांसलेशन होती है, मतलब कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी साथ साथ होती है। देखो राइबोसोम्स के यूनिट बाइंड हो गए, प्रोकैरियोट्स के केस में 70S राइबोसोम पाया जाता है जो फर्दर टू कंपोनेंट में होता है, 50S और
30S इस तरह से बाइंड होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। देखो अगर तो लिगेंड्स प्रेजेंट होगा वो एप्टामर में बाइंड हो जाएगा और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे और ये राइबोसोम से यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे और ट्रांसलेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। यहाँ पे ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। सेकंड देखो कोई भी लिगेंड नहीं है तो यहाँ पे एप्टामर पे लिगेंड बाइंड नहीं हुआ, आपका एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म नॉर्मल रहा, यहाँ पे राइबोसोम्स के सब यूनिट बाइंड कर गए और ट्रांसलेशन को इसने इनिशिएट कर दिया और अल्टीमेटली इसने जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया और जीन को एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका अल्टीमेट फंक्शन क्या है, देखो आप कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स मोस्टली आइदर बाय द ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन ऑफ द होस्ट एमआरएनए। मतलब कि ये जो जीन है वो कैसे ट्रांसलेशन करके एमआरएनए बनाती है और कैसे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाती है, मतलब अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, उसमें रोल रहता है राइबो स्विच का। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ राइबो स्विच। फ्रेंड्स अगर आपको ये कॉन्टेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। और हाँ अगर आपको कोई इससे क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन या डाउट क्लियर नहीं होता तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।